अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन अगेन। आई एम हेयर विद यू टीचर सोबिया ऑन बिहाफ ऑफ द नॉलेज स्कूल उमर कैंपस टू डिलीवर माई सेकेंड लेक्चर विच इज़ फॉर ग्रेड 5 एंड द सब्जेक्ट विल बी साइंस अगेन। वेल टुडे आई विल बी टीचिंग यू चैप्टर नंबर 10, बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फेथ बूस्टर एंड लिटिल बिट ऑफ टॉकिंग विद यू। So why don't I ask you that, are you following all the SOPs? Are you like keeping distance from other people, not shaking hands, not sneezing on other people, taking care of your health? I believe you should do all these things to make sure that not only you be healthy, but your surroundings and your surrounding people like your family and friends will also be healthy with you. Okay students, so first as you know always I go to the faith booster. So why don't we turn to page number 99, and we have at the very right hand corner this faith booster. They say it is a verse from Surah Al-Jathiyah, and in the varying direction of wind there are signs for people who use their intellect. सिंपल सी बात है, बड़ी मज़े की अल्लाह ताला ने यहाँ पे कही है कि देखें जब हवा मुख्तलिफ सिमतों में चलती है तो उसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो समझदार हैं। इंटेलेक्ट बोलते हैं जहानत या समझदारी को, ठीक है। और आप सबने बड़े मज़े मज़े के नेचुरल फोर्सेस के बारे में सुना होगा कि देखें जब कभी आप सो रहे होते हैं तो आपको पता चलता है रात आंधी आई थी, इतने सारे दरख्त टूट गए हैं, सैंड स्टॉर्म आया था, या रात बिजली गिरी थी उसकी वजह से किसी की छत गिर गई है, या समवन हैज़ डाइड देयर। सो दीज आर द फोर्सेस, जब आप सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं, ये ह्यूमंस तो ये फोर्स नहीं बना सकते, तो ये फोर्सेस किसने बनाई हैं, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल दीज फोर्सेस? ऑब्वियसली अल्लाह सुबहाना व ताला। सो दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू कि अल्लाह सुबहाना व ताला हैज़ क्रिएटेड दीज मच फोर्सेस विच वी कैन गिव देम मेनी नेम, बट वी कैन नॉट कंट्रोल देम, बिकॉज अल्लाह सुबहाना व ताला इज़ दैट ऑलमाइटी कि हम उनकी किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द टॉपिक टुडे वी विल बी लर्निंग इज़ ऑल अबाउट दोज फोर्सेज। ओके, बी विद मी एंड बेयर द टॉपिक। Yes students, I talk about the faith booster and I have given you a little bit of idea what are the natural forces, the forces created by Allah subhanahu wa ta'ala, but on the today we will talk about those forces. Can you name some of the forces? क्या आप मुझे किसी ऐसी force का बता सकते हैं, कोई ऐसी ताकत जो आप देखें कि आपके आस पास में है, surroundings में है, but you have not created it nor any other scientist or a human being or any material being, कोई भी ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो ताकत उसने बनाई हो? देखें बहुत सारी ताकतें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, तो कुछ बॉयज़ और गर्ल्स ऑब्वियसली आंसर भी दे रहे होंगे ऑन फ्रॉम योर एंड कि हाँ जी कुछ ऐसी ताकतें हैं। जैसे हमने विंड का जिक्र किया, विंड देखें एक ताकत है जो हर टाइम होती है, बट सम टाइम इट गेट दैट स्ट्रॉन्ग, जैसे विंड स्ट्रॉन्ग आ जाए या टॉर्नेडोज। टॉर्नेडो के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बड़ा मज़े का टॉपिक है। टॉर्नेडो इज़ अ फनल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऊपर से बड़ा होता है, नीचे से छोटा होता है, गोल गोल घूमता है हवा का, और उसके अंदर तमाम ट्रीज, कार्स, एवरीथिंग साथ उसके पावर के साथ स्ट्रॉन्ग उसका इफेक्ट होता है, इस वजह से वो सब भी घूमती हैं। बट इसके अलावा कौन सी फोर्स है? हाँ जी बिल्कुल सही, अर्थक्वेक होता है जिसे हम जलसला भी कहते हैं। इट्स द मूविंग ऑफ अर्थ, जब ज़मीन आपके पाँव के नीचे हिलती है उससे जलसला आता है। कोई आप देखें टू बुक्स को अपने टेबल पर सीधा स्टैंड कर दें वो बिल्कुल सही खड़ी रहेंगी लाइक योर बिल्डिंग, बट अगर आप उस टेबल को ज़रा सा मूव करें वो बुक्स गिर जाएंगी। व्हाट विल बी द रीज़न? क्योंकि अर्थक्वेक जलजला इसी तरह ज़मीन को हिलाता है और उस ऊपर रहने वाली बिल्डिंग्स या चीज़ें, कोई वीक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो गिर जाते हैं। एक और बड़े मज़े की चीज़ इस बुक में डिस्कस की हुई है विच इज़ कॉल्ड सुनामी। टी इज़ साइलेंट हेयर, टी एस यू एन ए एम आई, सुनामी इज़ द वर्ड। सुनामी बहुत बड़ी पानी की लहर को कहते हैं, और जब ये पानी की लहर आती है तो ये इनगल्फ कर लेती है या अपने अंदर सब चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को ख़त्म कर देती है, क्योंकि पानी बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे सैलाब आता है, आई बिलीव यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड, अर्थक्वेक, सुनामी एंड टॉर्नेडो, आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 99 पे। एज़ यू कैन सी देर इज़ अ टॉपिक रिटन अर्थक्वेक, और उसके ऊपर ही बड़े मज़े की पिक्चर है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी भी है कि देखिए कितनी तबाही हुई हुई है, ऑल थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, पूरी बिल्डिंग, कार्स एंड एवरीथिंग इज़ लाइक अ डिब्री, एक पूरा कचरा बन गया एवरीथिंग। तो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक बेटा कैसे आता है? पहले तो अर्थक्वेक होता है जलजिला, राइट इट डाउन इन फ्रंट ऑफ अर्थक्वेक। और दूसरी बात मज़े की मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि ज़मीन जो है हमारी वो बहुत मज़े की है। एज़ यू कैन सी इन द स्लाइड देर इज़ अ पिक्चर ऑफ द लेयर ऑफ अर्थ, हमारी ज़मीन के तीन मेन लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाला जो ज़मीन का हिस्सा है ऑब्वियसली जिस पे हम लिव करते हैं और जिस पे सारे ओशंस हैं,
वो पार्ट कहलाता है अर्थ क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट। आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो पिज़्ज़ा का बिल्कुल बाहर वाला पार्ट आप क्या कहलाता है, क्रस्ट। क्रस्ट बोलते हैं किसी चीज़ के छिलके को। तो ज़मीन का क्रस्ट बेटा बड़ा मज़े का है, वो ऐसे है कि उसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं। जैसे आप कोई बकेट लें, उसके अंदर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दें, तो वो एक ही जगह नहीं रुकेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते रहेंगे पानी में। सेम इसी तरह हमारी अर्थ के ऊपर ये जो टुकड़े हैं, इन्हें प्लेट्स कहा जाता है, और ये मुसलसल मूव करती हैं। सम टाइम ये दो टुकड़े आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, या टक्कर लगाते हैं, या पुश या पुल करते हैं, उसकी वजह से ज़मीन हिलती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक या जलजला आता है। और बिल्कुल वेरी फर्स्ट लाइन जो है, द रंबलिंग एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड एन अर्थक्वेक। बेटा ये मैंने स्लाइड में भी राइट डाउन किया, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट स्पीकिंग इट फॉर यू, कि ये इसकी डिफाइन है। सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ होती है मेंटल, जैसा कि पिक्चर में है, और सबसे इनर और सबसे हॉटेस्ट लेयर जो है वो कोर कहलाती है। ठीक है, आई हैव एडिड द पिक्चर फॉर यू सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो ये और जो प्लेट्स हैं बेटा, वो बड़ी मज़े की होती हैं। एक तो ये बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। आपको पता है हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? येस, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। तो इतनी बड़ी प्लेट्स भी हो सकती हैं कि एक कॉन्टिनेंट से भी बड़ी हो, और इतनी छोटी भी हो सकती है कि एक सिटी जितनी हो। ठीक है, अच्छा बेटा आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक या जलजिला जब आता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है, लाइक व्हाई आर वी रीडिंग अबाउट इट। तो आपको पता है जलजिला आता है, बिल्डिंग गिर जाती है, कार्स गिर जाते हैं, ब्रिज कोलैप्स होते हैं, बट इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? बेटा इसके मैनी इफेक्ट्स होते हैं। द मेन एंड द फॉरमोस्ट इफेक्ट इज़ दैट इट कॉजेस मैसिव लॉस ऑफ लाइफ, इसकी वजह से हैवी लॉस ऑफ लाइफ होता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। बिकॉज जिस पे छत गिर जाए, या रूफ फेल हो जाए, या वॉल फेल हो जाए, सो डैड पर्सन माइट बी डेड, और डैड पर्सन कैन गेट इंजर एज वेल। इंजर का मीनिंग होता है ज़ख्मी भी हो सकता है। सेकेंड इसका ये देखें कि इसमें बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट। इमेजिन करें किसी फॉरेस्ट वगैरह में ऐसा हो जाए, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स हैं, उनका रहने की जगह को हैबिटेट कहा जाता है, तो वो लॉस हो जाती है, वो वहाँ रह नहीं सकते। उसके बाद आप देखें कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इसकी वजह से रोड, ब्रिज या रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होना होता है नुकसान हो जाता है, किसी चीज़ में ख़राबी हो जाना। आफ्टर डेट आप देखें कि सम टाइम क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग में जो है अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से गैस की पाइपलाइन जो है बस्ट होगी, और डैट कैन कॉज अ रैपिड फायर टू एरप्ट। उसकी वजह से बहुत तेज़ जो है आग लग सकती है, और आपको पता है आग को कंट्रोल करना, आग इज़ ऑल्सो अ नेचुरल फोर्स, ये भी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक फोर्स है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट दैट इजीली। इसी तरह समटाइम बिल्डिंग गिरने की वजह से क्या होता है, या कोई आपको पता है लैंप पोस्ट गिर जाते हैं, जिन्हें आप खंभे कहते हैं, खंभा गिर जाने से क्या होता है, सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग ख़त्म हो जाती है, बिजली चली जाती है, और पावर शट डाउन हो जाता है, या ब्लैकआउट भी बोलते हैं उसे। और इसी तरह अगर किसी फील्ड में आ जाता है, तो उसकी वजह से क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और उसकी सूरत में ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है। ड्रॉट बोलते हैं कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो जाने को, ड्रॉट बोलते हैं कहत को, सिचुएशन सूरत हाल को, और इफ़ेक्टेड एरियाज बोलते हैं मुतासरा इलाकों में। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। अच्छा, ये एक बड़ा आगे मज़े का टॉपिक है, एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर, लाइक डिज़ाइनिंग ऑफ क्वेक प्रूफ बिल्डिंग। देखिए, अब ह्यूमन को अल्लाह ताला ने क्या किया, इंटेलेक्ट दिया है, बहुत ज़्यादा ज़हानत, इंटेलिजेंस, नॉलेज, इतनी सारी चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की हैं। फॉर व्हाट पर्पस? सो वी कैन यूटिलाइज इट, दैट्स द रीज़न यू आर गोइंग टू स्कूल और यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, कि आप कुछ न्यू लर्न करें एंड यू यूज़ योर माइंड टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी। तो यहाँ पे इन्होंने, अब ह्यूमंस क्या करते हैं कि उन्हें पता चल गया अर्थक्वेक की वजह से इतना लॉस हो रहा है, तो वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो अर्थक्वेक में स्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल, बुलेट पॉइंट 1 में है द बेस आइसोलेशन सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, आपकी जो बिल्डिंग होती है उसकी बेस, या जो उसकी बिल्कुल बुनियाद होती है, उसको अलग कर दिया जाता है, ताकि जब ज़मीन हिले वो बुनियाद हिले, लेकिन आपकी बिल्डिंग ना गिर सके। इसी तरह दूसरा आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टील फ्रेम्स इन्होंने कहा है कि बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। आपको पता है कि मिट्टी की बनी हुई बिल्डिंग जो है वो एक वीक स्ट्रक्चर होता है, जबकि स्टील या आयरन फ्रेमिंग की बिल्डिंग जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह थर्ड पॉइंट में देखते हैं, हाउस मेड ऑफ मड एंड वुड आर वल्नरेबल। देखें, ये आपको पता है कि कमज़ोर होते हैं, वल्नरेबल कमज़ोर होते हैं, जबकि आप कंक्रीट यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और वो विदस्टैंड कर सकते हैं फिर अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट को। इसी तरह एक और मज़े का पॉइंट है, डायगोनल ब्रेसिंग। अब ये बिल्कुल आपको इन्होंने दिखाया वो भी है कि डायगोनल ब्रेसिंग वो होती है जिसमें रूफ़ के, वॉल के, विंडोज़ के, डोर्स के, यानी कि सबके पीछे
जंगला लगा दिया जाता है आयरन और स्टील फ्रेमिंग का, इसको डायगोनल या दो तरफा या तीन तरफा ब्रेसिंग कहा जाता है। ये क्या करती है, हमारी बिल्डिंग को गिरने से बचाती है। एक पूरा का पूरा मलबा आपके ऊपर नहीं गिर सकता। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट पॉइंट में है आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन अलग कर देना। सेकेंड पॉइंट में फ्लेक्सिबल, डैट मीन्स लचकदार। शॉक एब्जॉर्बेंट, धचके को जज्ब कर लेने वाला। फोर्थ थर्ड पॉइंट में मड, मड आपको पता है मिट्टी या गीली मिट्टी को बोलते हैं। वल्नरेबल, कमज़ोर। और रूफ, छत को बोलते हैं। ओके अच्छा, ये तो हमने पढ़ा कि ऐसी बिल्डिंग या ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें आपकी बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक प्रूफ हो जाती है और उसको कम से कम द मिनिमल जो है डैमेज कॉज होता है। बट देर आर अदर थिंग्स एज वेल विच एज यू कैन सी ऑन द पेज 101। द फर्स्ट टॉपिक इज़ अर्ली अलार्मिंग डिवाइसेस। अर्ली अलार्मिंग डिवाइसेस होता है बेटा पहले से ख़तरे का बता देने वाले आलात, अलार्मिंग ख़तरे का बताने वाले और डिवाइसेस आलात या मशीन्स को बोला जाता है। अब कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, वो जैसे यूनाइटेड स्टेट सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अर्थक्वेक्स आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दे हैव मेड सम डिवाइसेस। मेन डिवाइस जो है वो सीस्मोमीटर कहलाती है, इन द वेरी थर्ड लाइन यू कैन सी दैट। देन वी हैव शेक अलर्ट्स या ज़मीन के हिलने का बताने वाले, और रेडार्स, रेडार्स भी किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन या वेव्स को पता चलाते हैं, ये बना देंगे। फिर अब क्या होता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में एक बड़ी मज़े की इन्होंने बताया, एन एप्लीकेशन ब्रिंको, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका नाम ब्रिंको है, इस लॉन्च विच कैन डिटेक्ट अर्थक्वेक वेव्स। वो एप्लीकेशन मोबाइल पे लॉन्च कर दी गई है और इससे क्या पता चलता है कि जब अर्थक्वेक की लहर आती है, कि ज़मीन हिलना शुरू होती है, आपको फ़ौरन से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मोबाइल पे एंड अलर्ट यू टू सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिली। उस सूरत में क्या होता है कि आप टाइम से पहले या अर्थक्वेक के आने से पहले अपनी बिल्डिंग से बाहर आ सकते हैं, अपनी फैमिली अगर दूर कहीं रहती है उसे वार्न कर सकते हैं या उसे आगाह कर सकते हैं, ख़बरदार कर सकते हैं। और इसमें जो वर्ड मीनिंग है ये वार्न करना है, ये फर्स्ट ही पैराग्राफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आगाह कर देना या ख़बरदार करना मीनिंग लिख लें। अच्छा, देयर इज़ अनदर थिंग वर्ड विच इन द वेरी सेकेंड पैराग्राफ, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं बेटा बचने वाली एहतियाती तदाबीर, ठीक है, और मेजर तदाबीर को बोलते हैं, प्रिवेंटिव बचने वाली होते हैं, ठीक है। अब ये आपने सब, और डिटेक्ट का मतलब होता है पता चलाना, वेव्स लहरों को बोलते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और हमें बताना है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन फॉर्म,